हे व्हाट्सअप गेमिंग आर्मी, वेलकम टू गेम एक्सप्रो। गाइस यार, जिन लोगों को नहीं पता है, पबजी मोबाइल का न्यू अपडेट जो है प्ले स्टोर पर आ चुका है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो ठीक है, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप जल्दी से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस अपडेट में हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिली हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपडेट डाउनलोड नहीं किया है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पहले देख ले, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका मन नहीं करेगा यार कि हम जाके अपडेट करें। सबसे पहले तो बात करें यार अपडेट के साइज़ की, तो पूरा 1.5 GB आपको ख़त्म करना पड़ेगा, वेस्ट करना पड़ेगा एक हिसाब से आप बोल सकते हो उसको डाउनलोड करने के लिए। और आपको इसमें देखने को क्या मिलेगा उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब यार सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी इस अपडेट की कि इस अपडेट में आपको जो है वेकेंडी मैप देखने को मिलेगा। हाल ही में 2 दिन पहले आपको शायद एक पॉपअप आया होगा मेंटेनेंस का आपकी पबजी मोबाइल की स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो है आपको 18 से 19 दिसंबर को जो है एक अपडेट देखने को मिल सकता है, और उसमें जो है आपको वेकेंडी मैप देखने को मिलेगा। उसमें आपको बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी बात करी थी, लेकिन सबसे पहले तो जैसे मैंने इस अपडेट को डाउनलोड किया और डाउनलोड करते मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले मैप खोले तो मैप में आप देख सकते हो यार कोई भी वेकेंडी मैप नहीं है, उल्टा हमें जो है ये 2 मैप और डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो ये सारा माजरा है क्या यार, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर आपने उस पॉपअप को ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पे लिखा था कि जो वेकेंडी मैप है वो इस अपडेट के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहेगा खेलने के लिए। यहाँ पे वही है गाइस, वो मैप सिर्फ अवेलेबल नहीं है, वो मैप है इसके अंदर लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला था कि वो मैप जो है आपको कुछ दिनों बाद, यानी लगभग 1 या 1.5 हफ्ते बाद, ये मैं अपना अप्रॉक्सीमेटली टाइम बता रहा हूँ, ऐसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि इतने टाइम के बाद जो है वो आपको दे सकते हैं खेलने के लिए। और साथ ही साथ बात करते हैं यार उसके अलावा और क्या नया है, तो उसके बाद घंटा भी कुछ नया नहीं आया है। एक सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि आपको सबसे पहले एक थीम नई देखने को मिलती है। ये थीम थोड़ी सी क्रिस्पी लग रही है, देखने में बहुत ही कमाल की लग रही है, एकदम न्यू टाइप की और स्नो टाइप की थीम लग रही है, तो ये सबसे बड़ी हाईलाइट है। उसके बाद कि यहाँ पे आपको एक न्यू थीम मिलेगी, और दूसरा सबसे बड़ा बात है यहाँ पे एक स्नो एरिया ऐड किया गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं बात लंबी नहीं खींचूंगा, सीधा सीधा आपको फीचर बताऊंगा कि क्या आए हैं नए नए फीचर। और बाकी आप भी मेरे को यार कमेंट में बताना कि आपको कौन सी चीज़ इन सब में से बढ़िया लगी। देखो वैकेंडी मैप तो आ नहीं रहा, अब जो नए फीचर आ रहे हैं हमें उन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। तो आप बताओ यार जो नए फीचर हैं वो आपको कैसे लगते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, एक न्यू थीम ऐड करी गई है। दूसरी बात है यहाँ पर आपको एक स्नो एरिया देखने को मिलेगा झरकी में, तो यार सबसे पहले जाके उसको ज़रूर देखना यार इरेंगल मैप के अंदर। और तीसरा और घटिया चीज़ में आप इसको बोल सकते हो, ये अगर आप इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ठीक ठाक सा एक न्यू चेंज किया गया है। पहले जो है कपड़ों के पीछे कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं देखने को मिलता था, अब यहाँ पे आपको जो है एक न्यू फिनिश मिल रही है कपड़ों के पीछे एकदम। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ है मतलब, तो जो लेजेंडरी आइटम है उनके पीछे कुछ पर्पल कलर है शायद ऐसा, और जो एपिक्स है उनके पीछे कुछ और कलर है, मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर अभी दिखाया गया है इन्वेंट्री के अंदर। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करते हो तो कंट्रोल्स में चलते हो, ठीक है, यहाँ पर भी एक न्यू चीज़ आई है। अगर आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे और यहाँ पे तीसरा लेआउट आपको देखने को मिलेगा जो होगा लार्ज आइकन बोल के, इसमें आपका क्या होगा कि आपके जो फायर बटन्स हैं वो थोड़े से लार्ज हो जाएंगे, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें एक और चीज़ नहीं देखने को मिली है, वो है एक न्यू लैंग्वेज सपोर्ट। अब धीरे धीरे जो ये ग्लोबल वर्जन है इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिया जा रहा है, सिवाय हिंदी के पुर्तगाल है ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अरेबिक लैंग्वेज भी जोड़ दी गई है जो कि वहाँ पर मेंटेनेंस मैसेज में लिखा था। और उसके अलावा एक और चीज़, यहाँ पे कुछ जो लोग होते थे हायर लिख के लोग, जैसे कि कॉन्करर लिख के लोग या जो हायर रेटिंग के लोग होते थे, तो वो जब मैच स्टार्ट करते थे तो उनकी मैच मेकिंग हो नहीं पाती थी, क्योंकि अगर आप हायर लीग में हो तो आपको हायर लीग वाले लोगों के साथ ही मैच मेकिंग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता था, तो उसी को देखते हुए यहाँ पे एक न्यू चीज़ ईजाद की है पबजी वालों ने, जो है क्रॉस सर्वर मैच मेकिंग की। तो अब अगर एशिया वाले लोग हैं वो नॉर्थ अमेरिका वालों लोगों के साथ भी मैच हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जिससे आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा सर्वर मैच मेकिंग होने में और मैच स्टार्ट होने में, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी और भी चीज़ें ऐड करी गई हैं, वो आपको देखने को पता लग जाएगा। बाकी अगर कोई हैकिंग करता है तो उसको आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हो एक्सपेक्टेड करते हुए तुरंत एकदम से, तो ये भी ठीक ठाक चीज़ है, तो ये आपको खेलते हुए पता ही लगेगी। बाकी अगर मैं बता रहा हूँ तो वो इतना आपको पता नहीं लगेगा, फ़िलहाल मैं इसको जो है फ़िलहाल कर देता हूँ साइड पे। तो यही कुछ चीज़ें हैं यार गाइज, आप बताइए। बाकी ये 3-4 चीज़ों में, ये तो आपको मेंटेनेंस मैसेज में भी मिल गई थी जब आपने अपडेट किया, तो तब भी आपको पता लग गया होगा इस चीज़ के बारे में।
तो पूरा 1.5 GB में आपको सिर्फ ये चंद चीज़ें मिली हैं यार, जो ना भी मिलती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ लेना देना था वैकेंडी मैप से, लेकिन वो हमको नहीं दिया गया। चलो ठीक है, आ जाएगा आगे आने वाले टाइम में। बाकी आप कमेंट में बताओ यार, आपका क्या ख्याल है जब आपने 1.5 GB पूरा का पूरा डाउनलोड कर लिया हो और आपको पता चला हो कि यार इसमें तो यार साला कुछ भी नहीं मिला यार, पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। मैं लगभग कसम से 2 घंटे में मैंने जो है ये अपडेट पूरा किया है। हालांकि घर में वाईफाई लगा है, लेकिन पता नहीं आज उसको प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, वो स्पीड नहीं दे रहा था, तो मैंने नेटवर्क पे किया और नेटवर्क तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम मरा हुआ चलता है। सो गाइस पूरा 1.5 से 2 घंटा मेरे को लगा इसको डाउनलोड करने में, और डाउनलोड करने के बाद मेरे को बहुत ही ख़राब लगा यार जब ये चीज़ें इसमें आई। तो बाकी आप बताओ यार आपका विचार कमेंट के अंदर, आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, लाइक कर देना यार वीडियो को, और बाकी अपडेट आ जाएगा वीकेंडी वाला। सो मैं मिलता हूँ यार यहाँ पे आपको ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।